हेलमेट जहां लोगों को दुर्घटना में सिर को बचाने में सहायक होता है, वहीं गुजरात सरकार ने शहरी इलाकों में दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होने के कानून में छूट देने का ऐलान किया है। ये छूट केवल नगरपालिका और म्यूनिसिपैलिटी के तहत आने वाले इलाकों में दी गई है। हाईवे और ग्रामीण इलाकों में हेलमेट पहनना अब भी अनिवार्य रहेगा। गुजरात सरकार ने यह फैसला इस बारे में बड़ी संख्या में असुविधा होने की शिकायतें सामने आने के बाद लिया है। केंद्र सरकार ने कुछ ही महीने पहले मोटर वाहन कानून में बदलाव किया था, जिसके बाद जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई थी। बुधवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद परिवहन मंत्री RC फल्दू ने कहा, यह फैसला काफी विचार के बाद लिया गया है, क्योंकि कई संगठनों और संस्थानों ने शहरी क्षेत्र में इस कानून में छूट दिए जाने की मांग की थी, जिससे अब बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि हेलमेट नहीं पहनने के कानून में छूट देने वाला राज्य गुजरात पहला बना है। केंद्र सरकार के नियम लागू करने के बाद इन जुर्मानों को कई राज्यों ने आधा कर दिया था। इससे ये बात समझ में आती है कि राज्य में थोड़े लोग भी धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दें तो सरकार अपने वोट के लिए सब काम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CB News, जयपुर।